हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। होप ऑल आर डूइंग गुड एंड स्टेइंग सेफ। तो गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम गाडू श्याम से जाकर आ चुके हैं और आपने व्लॉग देख ही लिया होगा लास्ट वाला। जिसने नहीं देखा तो जल्दी से जाओ जाकर मेरा व्लॉग देख लो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कॉमेंट शेयर कर दिया करो ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ तो गाइज आज हम करते हैं अपने न्यू व्लॉग की शुरुआत और ये कुछ व्लॉग स्पेशल होने वाला है। और क्योंकि चलो बाद में ही बताऊंगी, बाद में बताऊंगी, लेकिन ये वाला व्लॉग जो है बहुत स्पेशल है मेरे लिए और इंटरेस्टिंग भी है और मतलब स्पेशल बहुत ज़्यादा है गाइस। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइट, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं, बट आपको बाद में ही बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। तो मेरा कोल्ड अब तक ठीक नहीं हुआ। और तो गाइस अभी नितेश नहीं है, नितेश गए हैं जरा पास में ही और बाहर गए, बाहर तक गए हैं। तो तब तक मैंने सोचा हम गाडू श्याम से आए थे, मेरा घर थोड़ा सा फैला हुआ था, मैं थोड़ा सफाई कर लेती हूँ। और गाइस मैं सच्ची बताऊँ, मुझसे सफाई तभी होती है जब घर में कोई नहीं होता। स्टार्टिंग से ही है मेरा ये, पहले घर पे वहाँ तो क्या की करती ही नहीं थी, करती भी तो सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगाती थी और वो भी जब तक सबको नीचे भेजती थी पहले कि सब लोग बाहर जाओ नीचे जाओ, तब मैं काम करती थी, सफाई करती थी। सफाई क्या, तब मैं झाड़ू झाड़ू लगाती थी। और अब मेरा यही है कि मुझे अच्छा, मतलब मुझे फिर काम करने का मन नहीं करता। अब नितेश बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, फ़ोन में घुसे रहते हैं, तो मेरा भी मन करता है यार मैं नहीं कर रही, उठने का मन ही नहीं करता फिर। तो मेरा ये होता है कि आप लोग जाओ बाहर जाओ या फिर नीचे जाओ, मैं सफाई कर लूँगी तब आना। तो भाई नितेश ज़रा बाहर तक गए हैं, मैंने सोचा तब तक थोड़ा सा घर फैला हुआ है अपना ठीक कर लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ। कपड़े वपड़े थे सारे गंदे वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं, मौसम तो है नहीं वॉशिंग मशीन लगाने का क्योंकि बाहर बारिश आई थी, आप लोगों को तो पता है बारिश जैसा मौसम हो रहा है पूरा। ये देखो धूप तो है ही नहीं और सुबह बारिश भी आई थी, तो फिर इसी वजह से गाइस इस घर का काम पता नहीं कब ठीक होगा। मेरे घर के सामने घर में काम चल रहा है, इतने टाइम से चल रहा है, महीना दो महीने तो हो ही गए होंगे और अब तक ठीक मतलब हुआ ही नहीं कंप्लीट। तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ और सफाई कर लेती हूँ, बर्तन तो है ही नहीं, खाना बना लेती हूँ क्योंकि अभी सिर्फ हमने नाश्ता किया, ब्रेकफास्ट ब्रेड और चाय, भूख लग रही थी। नितेश नितेश का चलो तब तक बनाता हूँ खाना भी बना लेना। अभी तो मैं फ़िलहाल चावल ही बनाऊँगी, मटर पुलाव बना लूँगी वेज, और फिर तो शाम, क्योंकि शाम ही हो रही है इस वजह से फिर रात को तो खाना बनेगा ही, तो अभी फिर मटर पुलाव बना लेती हूँ, सफाई कर लेती हूँ साथ साथ ही और फिर आपसे आगे बात करूँगी। तो पहले मैं काम कर लेती हूँ। मैं झाड़ू मार रही थी और मैंने कूड़ा यहाँ से मतलब पूरा बाहर के एरिए से कवर किया है अपना, और मुझे ये यहाँ पर देखो क्या मिला, ये कोई कीड़ा काटा है और मुझे तो सांप लग रहा है, देखो आगे दो डंक वो भी हैं इसके, ये दो, ओ शिट, तो क्या ये सांप है गाइस? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता, नितेश होते तो बताते। देखो सांप ही है ये, माँ सामने वाली दीदी को बुलाती हूँ अभी, देखो 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 शिट मैन, ये कहाँ से आ गया? अंधेरा सा हो गया बाहर तो। गाइस ये मैंने यहाँ के यहाँ से लिया है, ये मतलब मैं इतने हिस्से में सफाई कर रही थी अपने और ये यहाँ पे था। वेट दीदी, दीदी को दिखाती हूँ, दीदी कहाँ है? बाहर गई है। ओ शिट, कब तक आएंगी? ठीक है, दीदी तो है ही नहीं। सांप ही लग रहा है ये, देखो आगे दो वो भी है इसके डंक से, ये देखो ये देखो। बाकी मैं नितेश को वीडियो कॉल करके दिखाती हूँ। और गाइज यहाँ पे मैंने नितेश को वीडियो कॉल कर दी थी क्योंकि नितेश घर गए हुए थे अपने, और मैं दिखा रही थी नितेश को कि मैं सफाई कर रही थी, एकदम से देखना क्या निकला। सच्ची में गाइज उसके आगे से दो वो निकले हुए थे सींग से, तो मुझे लगा सांप ही है, तो फिर नितेश ने कहा सांप ऐसे नहीं होते, तो मैंने साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली थी। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ना आवाज़ नहीं आती, कि मैंने कहा मैं दिखाऊँगी कि नितेश के रिएक्शन, मुझे लगा था कि आवाज़ भी रिकॉर्ड होगी लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड ही नहीं हुई। मैंने बाद में देखा नितेश ने तो हल्ला ही पीट दिया घर में कि दो सांप मिल गया, नितेश को सांप मिल गया, सांप मिल गया। पहले माँ जी को दिखाया,
माँ जी ने कहा कि ये क्या है, फिर माँ जी को ढंग से दिखाने, क्योंकि माँ जी चश्मा लगाती, चश्मे के बिना दिखा नहीं माँ जी को। फिर कोमल दीदी ने देखा कि ये क्या है, फिर कोमल दीदी ने बताया ये तो जोक है, जो कि मुझे नहीं पता जोक क्या होती है, और मुझे सच्ची में लिटरली नहीं पता कि क्या होती है जोक वो। फिर इन्होंने बताया कि अगर ये चिपक जाती है ना, पूरा खून चूस लेती है, और मतलब ईजिली हटती भी नहीं है, गर्म चिमटे से हटानी पड़ती है ना, गर्म चिमटे से हटानी पड़ती है। और मैंने कहा मैं क्या करूँगी, फिर मैं अकेली ऐसे हटाऊँगी। और ये काम मेरे साथ पता कब होता है, जब नितेश घर पे नहीं होते, पीछे से ही ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं मेरे साथ, कभी लाइट चला जाती है चली जाती है, क्योंकि मुझे डर लगता है इसीलिए। और नितेश यहाँ पे कह रहे थे कि खा जाए इसको, मतलब मुझे मरवाना चाह रहे थे। गाइस देख लो, मैं इसको कहती थी कि चक्कू से काट देती हूँ, फिर नहीं, फिर कह रहे हैं कि कागज़ से हाथ से उठा के नीचे फेंक दे। गाइस अगर मैं ट्राई करती कि मैं हाथ से उठाती इसको, तो ये फिर नहीं चिपक जाती मुझे, फिर मुझे गरम गरम चिमटा कौन लगाता कौन हटाता, पागल ही है ये। तो मैंने तो गाइस झाड़ू से वापस जीनों में नीचे ही फेंक दी थी। हाँ ये देखो, ये अभी बोल रहे थे कि खा जा मुंह में ले जा ऐसे करके, पागल से गाइस। पर इसका सुना है मैंने, अगर एक खा मतलब चिपक जाती ना, पूरा खून चूस लेती मेरी बॉडी का, और खून चूस चूस के ये बड़ी हो जाती। हाँ ये देखो, मैं यहीं पे बात ही कर रही थी इनसे, इन्होंने अपने पूरे घर में हल्ला पीट दिया था कि वो सांप सांप सांप, क्योंकि गाइस मुझे ऐसा ही लगा कि ये सांप है। फिर क्या, फिर मैंने कहा चलो मैं गाइस नितेश घर चले गए, मतलब घर पहुंच गए, मुझे पता ही नहीं था। और गाइस मैंने उनको दिखाया, सांप नहीं था, शुक्र सांप तो नहीं था। और जोक बोल रहे थे वो कि कोई जोक है, अगर वो चिपट जाती ना तो फिर मतलब खून चूस लेती, और इसके अंदर खून बहुत खून होता है। मैंने तो सिर्फ दिखाया नितेश को, नितेश ने तो पूरे घर में बता दिया, हाय हाय करा दी घर में कि सांप कहाँ से आ गया, वो ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया, सब ऐसे हो गए गाइस, है ना। तो मैंने दिखा दिया नितेश को, फिर नितेश ने कहा ये जोक होती है, और ये मरती भी नहीं है, पता नहीं नमक से कटती है या फिर क्या करती है, और अगर बॉडी पे चिपक जाती है ना तो गरम चिमटे से उतारनी पड़ती है। मैं तो वहीं डर गई थी गाइस, मैंने तो फिर फटाफट उसको बाहर ही फेंक दिया, नीचे नीचे सीढ़ियों में कर दिया। और मुझे मुझे कह रहे हैं पागल से कि कागज में उठा के और नीचे फेंक दे, मैं कागज में कैसे उठाऊं, और जब मैं उठाते टाइम चिपक गई तो मुझे उठाते उठाते मैंने तो गाइस उसको झाड़ू से ना जीनों के करके नीचे कर दिया, बिल्कुल नीचे फेंक दिया। हाँ मुझे तो बहुत डर लगता है ऐसे भी पीछे से, अगर ऐसे नितेश के पीछे से ऐसे इंसिडेंट हो जाए भैया मैं तो मरी जाऊं। तो गाइस चलो मैं सफाई कर लेती हूं और उसके बाद आपसे मिलूंगी। काम करते करते लाइट चली गई, वरना बस पोछा रह गया था, पोछा ही मार रही थी वाइपर से, लेकिन लाइट ही चली गई, क्या करूं, अब लाइट आएगी तभी पोछा लगाऊंगी। फिर जब भी पता क्यों नितेश, जब नितेश जाते हैं ना तभी लाइट जाती है, कि लाइट को भी पता है क्या, मुझे डर लगता है नितेश के आगे इतनी लाइट नहीं जाती, कभी नहीं जाती। बस अब मेरा पोछा पोछा रह गया, फटाफट पोछा लगा दूंगी लाइट आने से, फिर चावल बना दूंगी फटाफट दो सीटी में, फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या गुड न्यूज है और क्या है वो बात। गाइस प्रेरणा की सिल्वर बटन आ चुकी है, मतलब कि हमारे ग्रुप में एक सिल्वर बटन आ चुकी है फाइनली, तो थैंक यू सो मच गाइस। और वैसे प्रेरणा की आई है लेकिन हमारे ग्रुप में आई है तो वो हमारी हुई, और हमारे पूरे ग्रुप में अभी एक सिल्वर प्लेट आई है। तो अभी मैं तो सुबह ही घर पे आई हूँ, वापस कैसे जाऊँ, नहीं जा सकती, थके हुए हैं, है ना। अब फिर देखूंगी, बाद में जाऊंगी, बाद में ही। वैसे मैंने मुबारक तो दे दी है उसको, और फिलहाल मैं देखो गाइस लाइट आई थी, उसके बाद मैं अब पोछा लगाऊंगी, और क्योंकि पोछा तो पहले लग जाता, पर मैंने नितेश के लिए चावल बनाए क्योंकि उनको भूख लग रही थी, और अभी तो सिर्फ चावल बनाए थोड़े से, अभी खाने के लिए, मतलब थोड़े से तो नहीं बनाए, मतलब बनाए हम दोनों के लिए ही हैं, पर अभी खाने के लिए, फिर रात को तो खाना बनाऊंगी क्योंकि रात को भूख लगती है ना हमें, हम लेट लेट उठते रहते हैं, तो अभी चावल खाएंगे, रात को दोबारा फिर से खाना बनाऊंगी, मतलब रात होगी थोड़ी देर में ही। तो सबसे पहले बस मेरा पोछा रहता, मैं पोछा मार लेती हूँ, फिर मेरा काम हो जाएगा, मैं नाक बिल्कुल बंद है। और चलो मैं आपको एक चीज गुड न्यूज बताई देती हूँ कि वो क्या गुड न्यूज है, चलो नितेश को आने दो मैं फिर बताऊंगी। तो गाइज फाइनली नितेश भी आ गए हैं, और मैंने इन्होंने खाना भी खा लिया, मैंने इनके लिए चावल बना के दिए, जिसने आप लोगों को तो पहले ही बता दिया था। और गाइज मैंने इनको बोला कि एक पोछा लेके आना नया, वो पोछा नहीं लेकर आए, पोछा छोड़ के सब कुछ ले आया, तो मेरा सारा काम हो गया, बस पोछा ही रहता और वही नहीं लगा। गाइज पोछा तो है, पर वो ना मैं दूसरे गलती से वो दूसरे वाले पोछे ले आती हूँ, वो सेल्फ साफ करने वाले, और वो नीचे मारने वाला नहीं है। तो चलो गाइस अब मैं बताती हूँ आपको गुड न्यूज, मैं इनको पहले बताई थी कि गाइस आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। हाँ। तो बताओ गाइस आप लोगों की गुड न्यूज क्या है, बताओ।
बताओ तो आप बताओ गाइस आप लोगों के लिए, अरे आप बता दो, बता दो हेलो गाइस। देख तो गाइस मैं बताती हूँ आप लोगों के लिए जो गुड न्यूज है वो ये है कि बता दो ना, हमारे घर में आने वाला है एक न्यू छोटा सा मेंबर, है ना? बताओ ना। यस है ना। यस आप खुश हो? और क्या बताओ ना। हाँ हाँ एक्साइटेड हो आप? खुश हो? चलेंगे ना कल। हाँ तो गाइज हमारे घर में एक छोटा सा मेंबर आने वाला है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, आप लोग मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ, और ये सरप्राइज आपके लिए, बट ये अभी इतना ही रहेगा, इतना ही बताऊंगी, क्योंकि बाकी का तो आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में ही देखने को मिलेगा। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो न्यू मेंबर सीधा दिखाऊंगी आपको, ठीक है? तो बस यही थी गुड न्यूज़, यही थी कि मैंने आपको बता दिया कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि हमारे मैम, हमारी फैमिली में, हमारे घर में एक न्यू मेंबर आने वाला है, है ना? इस अभी 8 बज चुके हैं, 8 बजे तो इन्होंने चावल बनवा के खाए हैं, ठीक है, और साथ में मैंने भी खा लिया, और वैसे रखे हुए हैं, इनको भूख लगेगी तो चावल खा लेंगे, खाना बनाऊँ, रोटी खाऊंगा, रोटी खाओगे? चावल थोड़े सी तो खाए, रोटी भी बनाऊंगी, चावल ही खा लेना, हटा दो। तो गाइस चलो आज हम लेट उठे थे, इस वजह से हमारा रूटीन थोड़ा सा खराब हो गया, क्योंकि हम मॉर्निंग में 4 बजे तो आए थे, 4 बजे तो, 4:30 बजे तक तो सोए हैं, 4:30 बजे सोए हैं, फिर शाम को 2-3 बजे उठे थे ना, तो आज इसीलिए दोपहर में, इसलिए रूटीन थोड़ा सा खराब है। तो बाकी इस ब्लॉग का करती हूँ मैं एंड, यही भी होपफुली आपको पसंद आया होगा, लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना, अच्छे अच्छे शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज। और एक चीज़ और, अब मैं आपके लिए शॉर्ट्स भी लेकर आया करूँगी, तो मैं अपने शॉर्ट्स भी यहाँ पर डाला करूँगी, आप उसको भी इतना ही प्यार देना जितना मेरे ब्लॉग्स को देते हो। और गाइज मेरा व्लॉग देखना मत भूलना, इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।